नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप सिंह पवार और आप देख रहे हैं एमिनेक्स साइंस एक्स क्लब, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका इलेक्शन सीरीज पार्ट टू में, जहां हम बात करने वाले हैं मोदी जी के कार्यकाल के बारे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नॉलेज से भरपूर है। ये आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ाने वाला है, तो पूरा देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इलेक्शन पार्ट टू में मोदी जी के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी निकालेंगे। हम देखेंगे कि कौन से वादे हुए पूरे और कौन से वादे रह गए अधूरे और कैसा रहा उनका कार्यकाल, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि देश ने कितनी प्रगति की है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के कार्यकाल में 40 से ज़्यादा योजनाएँ शुरू की गई और इन योजनाओं से भारत में काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं। देखते हैं वो कैसी रही और क्या क्या योजनाएँ थी। मोदी जी की गवर्नमेंट ये कहती है कि यूपीए गवर्नमेंट ने पिछले 50 सालों में जो काम नहीं किए हैं वो मोदी जी की 5 साल की गवर्नमेंट ने किए हैं। तो क्या बात सच है? देखते हैं इन योजनाओं के बारे में। चलिए बात करते हैं कि न्यू इंडिया के लिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मोदी सरकार ने किया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है तो काम भी वैसा ही हुआ है। वर्ष 2017-18 में 1162 मीट्रिक टन माल ले जाने और लाने का काम हुआ है, जो कि पिछली कई वर्षों की तुलना में अधिक है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में जहां कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 13-14 में 92,851 किलोमीटर निर्माण कराया था, वहीं मोदी सरकार ने 1,20,543 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर दिखाया। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माणों की औसत गति भी पिछली सरकार की तुलना में बहुत ज़्यादा थी। कांग्रेस सरकार के समय जब 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से काम होता था, वहीं मोदी गवर्नमेंट के समय ये 27 किलोमीटर पर डे के हिसाब से काम हुआ। अब अंतर आप देख ही रहे हैं कि क्या अंतर है कांग्रेस में और मोदी सरकार में। न्यू इंडिया के अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अंतर्देशीय जलमार्गों के निर्माण में एक ऐतिहासिक क्षण आया। देश के पहले कंटेनर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया। आज़ादी के इतने साल बाद ही आप बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया। ये काम तो पहले भी हो सकता था ना, पर नहीं हुआ। ये किसने किया? मोदी जी ने किया। और इसके बाद बंदरगाह के विकास में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे पिछले 4 वर्षों में बंदरगाह पे माल लाने लादने उतारने के समय में काफ़ी कमी आई है। पहले जहां यह काम 94 घंटों में होता था, वही काम अब 64 घंटों में हो जाता है। पहले जहां 800.53 मिलियन टन माल उतारा या लादा जाता था, वही बढ़कर मोदी जी के समय 1451.59 मिलियन टन तक पहुँच गया। बंदरगाहों पर पहले कुल संचालन जहाँ 555.49 मीट्रिक टन होता था, अब वह 679.47 मीट्रिक टन हो गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग जहां केवल पिछले 30 वर्षों में 5 थे, अब 106 हो गए। सोच लीजिए कहां 5 और कहां 106, कहां कांग्रेस और कहां बीजेपी, कैसा काम करती है। न्यू इंडिया के अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पर तीव्र गति से व्यापक परिवर्तन आए हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में 102 परिचालित हवाई अड्डे हैं। 2016 से अब तक 34 हवाई अड्डों को शुरू किया गया है। अब 13 राज्यों में 4 से अधिक हवाई अड्डे हैं। पहले इन राज्यों की संख्या 7 थी। 2017 में पहली बार घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 100 मिलियन के पार पहुंच गई, जो कि मोदी जी की उड़ान योजना की सबसे बड़ी कामयाबी है। न्यू इंडिया के अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यू इंडियन के लिए एक अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें भारत में सबसे बड़ी सड़क सुरंग जम्मू में चेनानी नाशरी का निर्माण किया गया। भारूच में नर्मदा और कोटा पर चंबल में पुल बना। साथ ही दोस्तों, भारत में बना सबसे लंबा पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे बना 9.15 किलोमीटर है, जिसका नाम है ढोला सादिया, जो कि तैयार हो गया और उस पर आवागमन भी शुरू हो गया है। कांग्रेस सरकार के समय से अटकी कई परियोजनाओं पर तीव्र गति से काम हुआ है। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे 19 नवंबर 2018 को शुरू हुआ। NH1, NH2, NH8, NH10 को जुड़ने वाला कुडरी मानसेचर स्ट्रेच तैयार हुआ। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के साथ मिलने से दिल्ली का सबसे बड़ा रिंग रोड तैयार हुआ, जिसका काम भी 2014 के बाद शुरू हुआ, पर जिसकी डेडलाइन 2009 थी। 6400 करोड़ की कुल लागत से 6-लेन एक्सप्रेस वे को अपग्रेड किया गया। बोगीबिल पुल 19 दिसंबर 2018 को भी इसका शुभारंभ हुआ। 4.94 किलोमीटर लंबे रोड कम रेल ब्रिज का निर्माण 2002 में शुरू हुआ, पर 2014 तक केवल 50% कम्प्लीट हुआ, जिसे मोदी जी की सरकार ने पूरा किया। देख लीजिए, अब की बार काम लटकाने वाली सरकार चाहिए या काम पूरा करने वाली सरकार चाहिए। पूर्वोत्तर को जोड़ने से देश में संपर्क बढ़ा है, जिसमें पूरे रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदलकर पूरे देश से जोड़ दिया गया है। ये ध्यान से सुनिए, ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ जी, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पहली बार भारत के रेल मैप में आए हैं।
क्या कर रही थी इतने दिनों से कांग्रेस सरकार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए ना क्या कर रही थी। अब शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, न्यू इंडिया के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रैक को नवीनीकरण करने में 50% तक की वृद्धि हुई है। 2013-14 में जहां 2,926 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण हुआ, वहीं मोदी जी के समय 2017-18 में 4,405 किलोमीटर नवीनीकरण का काम हुआ। 2009 से 14 तक 7,600 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन बिछाई गई, वहीं मोदी जी के समय 9,528 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन बिछाई गई। 2017-18 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें एक वर्ष में 100 से भी कम दुर्घटनाएं हुई हैं। रेल हादसे 62% कम हो गए हैं। ब्रॉडगेज पे मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, और जो टाइम लिमिट सेट की गई थी उससे पहले ही काम पूरा कर लिया गया है। इन बातों पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही तो लोगों में उसकी तारीफ भी नहीं करते। अब बात करते हैं पीएम आवास योजना की, जिसमें 2022 तक प्रधानमंत्री ने सभी को अपना घर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक कई लोगों को अपना आवास दे भी दिया है। साथ ही स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहरों में कहीं बदलाव भी हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 100 सिटीज का चुनाव किया गया है। इन शहरों में विभिन्न योजनाओं की लागत 2,05,018 करोड़ रुपए है, जिससे 10 करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ खेती किसानी की, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए क्या किया है। मंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 31.03 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सूक्ष्म सिंचाई सुविधा बनाई गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत 14.24 करोड़ किसानों को फसल बीमा मिली। अब ये बात अलग है कि ये योजना का लाभ कई ऐसे किसानों को भी मिला जिनकी फसलें खराब ही नहीं हुई। मैंने जी न्यूज़ पे देखा था कि खुद किसान बता रहा है कि मेरी फसलें खराब नहीं हुई थी जबकि मुझे इस योजना का लाभ मिला। पर आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर मुफ्त में कुछ मिलता है तो लोगों तो लूट लेते हैं उसको, तो इस योजना से मिलने वाली राशि को कहाँ छोड़ने वाले थे। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जिसने राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया है। इस बारे में शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, खाद्यान्नों के उत्पादन में भी 10.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 में 280 मिलियन टन का कुल उत्पादन हुआ है, वहीं 2000 से लेकर 2014 तक 4 सालों में 250 मिलियन टन था। सभी खरीफ की फसलों दालों सहित के MSP पर, मैक्सिमम सेल्स प्राइस पर 50% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। रबी की फसलों के लिए 21% की वृद्धि की है। गेहूं के MSP में 112.5% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मसूर की दाल के लिए 76.7% की MSP में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जौ के MSP पर 67.4% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। रैपसीड एवं सरसों के MSP में 89.9% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। चना के MSP में 75.2% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। कुसुम के लिए MSP में 50.1% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई। 2014 से 18 के दौरान 64 लाख मिलियन टन दाल और तिलहन की फसल खरीदी गई है। दालों का बफर स्टॉक 1.5 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन हो गया है। मूल्य समर्थन योजना के तहत 45.43 लाख मीट्रिक टन दालों की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। और ये किसान कहते कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये पार्टी कहती कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। देखो जरा क्या किया है। 2017-18 में रिकॉर्ड उत्पादन ऐसे नहीं हो गया है। खाद्यान्न का उत्पादन 277.49 मीट्रिक टन था, दालों का उत्पादन 23.95 मीट्रिक टन था, चावल का उत्पादन 111.01 मीट्रिक टन था, गन्ना का उत्पादन 352.23 मीट्रिक टन था, मोटे अनाज का उत्पादन 45.42 मीट्रिक टन था। साथ ही बागवानी के क्षेत्र में 305.4 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। मोदी जी ने किसानों की आय दुगना करने की दिशा में जो काम किया है ना, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। स्वदेशी यूरिया के लिए नीम कोटिंग 2014 से पहले 35% थी, 2014 के बाद 100% हो गई है। न्यू इंडिया के किसानों के लिए 2,11,694 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। 2009 से 14 के UPA गवर्नमेंट में ये 1,21,082 करोड़ था। अब आप ही देखिए क्या ज्यादा था, किसने ज्यादा काम किया है। किसानों के समग्र संरक्षण के लिए बहुत ही कम दर पर फसल बीमा योजना बनाई गई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता है। 2014 तक 14.24 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया गया है, जिसमें 379.06 लाख हेक्टेयर भूमि का 1,31,519 करोड़ का बीमा किया गया है। किसानों को उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम शुरू किया गया, जिसमें ई ट्रेडिंग के जरिए 585 विनियमित बाजारों में किसान सर्वोत्तम मूल्य पर अपनी फसल उपज बेच सकते हैं। ई नाम प्लेटफॉर्म पर 58,930 करोड़ रुपए के 2.25 करोड़ टन कृषि संबंधी वस्तुओं का लेन देन किया गया है।
इस पर 1.41 करोड़ किसान एवं विक्रेता रजिस्टर्ड है। बम्पर पैदावार जो हुई है उससे निर्यात में भी अद्भुत बढ़ोतरी हुई है। 2022 तक कृषि निर्यात मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है, जिससे किसानों को वैश्विक बाजार से निर्यात के जरिए लाभ कमाने में सक्षम बनाया जाएगा। इसलिए कृषि विकास दर पिछले के मुकाबले अधिक रही। 2017-18 की पहली मध्यावधि में ये 2.8% रही, जो कि दूसरी मध्यावधि में बढ़कर 3.8% हो गई और 2018-19 की पहली मध्यावधि में बढ़कर 4.55% की हो गई। आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से कृषि विकास दर आगे बढ़ रही है। यूपी के समय जहां महंगाई दर 10% के ऊपर थी, वही आज महंगाई दर 3-4% पर आ गई है। इस बात का अंदाजा दालों, आलू, प्याज, टमाटर के भाव से ही आप पता लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण आजीविकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जिसमें 14-15 में 26.85% था, जो कि 18-19 रहा है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय दुगना करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की है, जिसमें बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 500 करोड़ का आवंटन किया गया है। 20 गोकुल ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं। वार्षिक दूध उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई है। 2011 से 14 के बीच में 146.3 मीट्रिक टन का उत्पादन होता था, वही 2014 से 17 में 163.7 मीट्रिक टन हो गया है। साथ ही साथ नीली क्रांति ने किसानों के लिए नए नए रास्ते खोल दिए हैं। 3000 करोड़ की लागत से मत्स्य पालन के एकीकृत विकास और प्रबंधन का काम किया जा रहा है। 2012 से 14 के बीच में मत्स्य उत्पादन 186.12 लाख टन था, वह अब बढ़कर 14-16 में 209.59 लाख टन हो गया है। मुश्किल वक्त के समय किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं बनाई हैं, कई कार्यक्रम बनाए हैं। खाद्यान्न के क्षतिग्रस्त होने पर उन्हें पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाता है। SDRF के फंड में 2010 से 15 के मुकाबले 15 से 20 में 82% तक की बढ़ोतरी हुई है। मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने पूरे देश की तस्वीर बदल के रख दी है। तो ये रहा मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हमने देखा कि मोदी जी ने किस प्रकार से काम किया है, कौन कौन सी योजनाएं भारत में शुरू की और उससे क्या बदलाव आए हैं। अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, साथ ही साथ मैं भारत का रिकॉर्ड भी बताने वाला हूँ। मोदी जी को कौन कौन सी उपलब्धियाँ देश में मिली है, बाहर से मिले, कौन से अवार्ड्स मिले हैं जिससे हमारे देश का नाम रोशन हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी आप जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस बारे में आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मोदी जी के बारे में और हम बातें करेंगे, देश के बारे में बात करेंगे, चुनाव के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।